हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्जाडमी। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं लेसन नंबर 7 एनालिटिक ज्योमेट्री में। तो एनालिटिक ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और प्लेन्स इन थ्री डायमेंशंस। तो ये 8 टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं एनालिटिक ज्योमेट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है लेसन नंबर जिसका हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। मान लीजिए आपको कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, ठीक। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है आप रूट अंडर कर दीजिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे सपोज एक लाइन है, ठीक, और दो पॉइंट है, एक लाइन पे दो पॉइंट है। तो एक पॉइंट है 2.4, दूसरा पॉइंट है 3.7। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको अगर पूछा है तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा रूट अंडर ऑफ 3-2 होल स्क्वायर प्लस 7-4 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना होल स्क्वायर, इसको बहुत लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर नहीं है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अगर नहीं अगर पता हो तो आप गूगल में टाइप करो SQUARE और उसका देखो ऑडियो सुनो, देखो प्रोनाउंसिएशन कैसे वो आंटी जी बोलती है, ठीक है। तो 3-2 होल स्क्वायर प्लस 7-4 होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3-2 देखो क्या होगा 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 10। समझ में आया, तो हो गया ये डिस्टेंस की वैल्यू हो गई रूट 10। वैसे आप स्क्वायर बोलिए स्क्वायर बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर लाने से मतलब है, ठीक है, आप तो आपकी जो खुशी वो बोलिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पहला ये फाइंड करना है हम लोगों को क्या, पॉइंट ऑफ डिविजन ऑफ अ लाइन joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio m is to n। जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इस पे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2 और एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है इसका अगर आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और आपको बोल दिया कि ये जो लाइन ये जो पॉइंट है वो डिवाइड किया है इस पूरे लाइन को किस रेशियो में m is to n। अगर ये वाला वैल्यू m है और ये वाला वैल्यू अगर n है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m+n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n, ठीक है। तो इसको याद रखने का सिंपल फंडा क्या है, देखिए जो भी रेशियो आपको दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में हमेशा उसका समेशन होगा, तो m+n हमेशा कर दीजिए, जो भी रेशियो है तो दोनों को जोड़ दीजिए डिनोमिनेटर में बैठा दीजिए, और जो यहां पे न्यूमिरेटर में पहला पॉइंट क्या होगा, देखिए अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना है mx2 प्लस nx1, देखिए कि इसको इधर वाला गया इधर इधर से गया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना है तो mx2 और nx1। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना है तो my2 कर दो प्लस ny1 कर दो, ठीक है। तो इसे हमको ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, सपोज मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन है, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइडेड है, 1:3 रेशियो में डिवाइडेड है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2.4 और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2.6। तो इसको अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता करोगे तो वही फॉर्मूला में बैठा दो, यहाँ पे देखो मैंने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1:2 प्लस 3:2 डिवाइडेड बाय 1+3, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में इसको बस जोड़ देना होता है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y वाले टर्म्स के साथ, तो 1:6 प्लस 3:4 डिवाइडेड बाय 1+3, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 8/4, 18/4, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 2.45, ठीक है। तो इससे हम लोग को आंसर पता चल गया, समझ में आई बात। फिर आगे देखते हैं, सपोज मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता करना है कि ये जो मिड पॉइंट होगा वो लाइन का वो क्या होगा, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। तो अगर मिड पॉइंट पता करना है तो बहुत सिंपल होता है, बस दोनों का मीन ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए। मैंने बताया था ये बताओ कौन सा मीन है, ये आप लोग कमेंट में करके बताओ, कमेंट में लिखो, कमेंट पे कमेंट करो कि ये वाला जो मीन है कौन सा मीन है। तीन तरह का मीन मैंने बताया था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो बताओ ये कौन सा मीन है, ठीक।
तो ये वाला अगर पता करना है बीच वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट तो आप क्या करोगे दोनों को जोड़ दो और यहां पे लिख दो उसका एवरेज ले लो तो x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 ठीक है उसका एग्जांपल देखो मैंने लिखा यहां पे जैसे एक लाइन है 1 comma 4 और इधर 8 comma 9 तो दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बस x वाले जो टर्म्स है उसको जोड़ो आधा करो और y वाले टर्म्स जो है उसको जोड़ो आधा करो तो 1 plus 8 divided by 2 और 4 plus 9 divided by 2 सॉल्व करोगे तो आएगा 4.5 comma 6.5 ये हो गया हमारा आंसर फिर देखो आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ है ठीक है तीन एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीन कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता है दिया हुआ है आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ठीक है तो आपको क्या करना है इसका एरिया पता करना है तो एरिया पता करने के लिए आप क्या करोगे बस ये वाला डिटरमिनेंट का फार्मूला लगा दो प्लस माइनस हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ठीक है और ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है प्लस माइनस का ये मतलब होता है कि हमको इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है ठीक है इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है इसका लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि प्लस माइनस को हटा करके मैं एक बड़ा सा मॉड लगा दूं ठीक है पूरे पे मॉड अगर लगा दूं तो उसका भी मतलब वही होगा जो अभी लिखा हुआ है ठीक है तो आपको तो पता है एरिया नेगेटिव होता नहीं हमको उससे मैग्नीट्यूड से मतलब होता है इसीलिए अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर लो ठीक है तो एग्जांपल देखो सपोज एक ट्रायंगल है उसका तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है आपको 1 कॉमा 2 4 कॉमा 7 9 कॉमा 12 ठीक तो इसका एरिया पता करने बस ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो तो एरिया आपको मिल जाएगा इसका डिटरमिनेंट जब आप सॉल्व करोगे तो -10 आएगा लेकिन मैंने क्या बोला कि इसकी एरिया की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन लगा हुआ है और ये हो गया इसका वैल्यू 10 ठीक है तो आप चेक कर लो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप खुद से फाइंड करो देखो कितना 10 आता है या नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखो फिर देखो कुछ नोट पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं कि पहला नोट पॉइंट ये है कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव जैसे मैंने बताया कि एरिया जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता एंड हेंस ऑलवेज यूज द मॉड वैल्यू मॉड मतलब मॉड्यूलस वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड से हम लोग को मतलब होता है ठीक है और दूसरा पॉइंट क्या होता है अगर एरिया मान लीजिए अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर होंगे ये वाला डायग्राम देखो अगर मान लो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कोई तीन पॉइंट्स और आपको इसका एरिया पता करना है सपोज मान लो एरिया की वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर जाएगा ठीक है और ये तीनों पॉइंट्स ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे ठीक तो एक ये भी तरीका है कि कोई भी तीन पॉइंट्स को पता करना है हमको कोलिनियर है या नहीं तो आप क्या करो उसका ये एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ ये एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ इसको जीरो कर दो अगर जीरो आ जाता है तो ये प्रूव कर सकते हो आप कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में फिर देखो फिर निकालना है हमको डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमको क्या करना है डिस्टेंस पता करना है तो यहां पे जो दिया हुआ था ना x1 y1 ये सारे डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है ठीक है ये वाला जो पॉइंट है ये सब किसमें दिया हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो आइडिया होगा आपको ठीक है तो ये वाला जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चीज होता है एक होता है r एक होता है थीटा r मतलब डिस्टेंस और थीटा मतलब एंगल तो दो पॉइंट दिया हुआ आपको r1 थीटा 1 और r2 थीटा 2 सही बात है तो आपको डिस्टेंस पता करना है तो क्या करोगे d is equal to root under of x1 square plus x2 square r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos theta 2 minus theta 1 ठीक है तो देखो यहां पे एग्जांपल में क्या है कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है 2 लेंथ दिया हुआ है 2 और उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री यहां पे लेंथ दिया हुआ है 4 और इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री तो r1 theta 1 दिया हुआ है r2 theta 2 दिया हुआ है तो आपको डिस्टेंस पता करना है तो क्या करोगे रूट अंडर ऑफ कर दो यही देखो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो r1 क्या है यहां पे 2 है और थीटा 1 है 30 डिग्री r2 है 4 और थीटा है 60 डिग्री इसमें डालो आप डालोगे तो ये सब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा d is equal to 2.478 इसको भी आप सॉल्व करो और वेरीफाई करो चेक करो अगर आंसर अगर मेरा गलत है तो आपका सही आंसर लिखो ठीक है फिर देखो
फिर है कि इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कभी-कभी जो होता है ना सिस्टम हमारा दिया रहता है कार्टेशियन सिस्टम में, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना रहता है पोलर में, या फिर उल्टा करना पड़ता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमको कन्वर्ट करना रहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में दिया रहेगा, और अगर आपको पोलर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आर और थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू तो दी हुई है आपको, तो आप आर को क्या करोगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। उसी तरह से अगर पोलर दिया हुआ है मतलब आर और थीटा की वैल्यू प्रेजेंट है, तो आप एक्स और वाई कैसे निकालोगे, ये वाले रिलेशन से। सो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सब तो बच्चों वाली चीज है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस एक रिकैप है क्योंकि हम लोग अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में घुसने वाले हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, इतना ईजी ईजी क्यों चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन ये ईजी चीज आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप इसमें बेस अगर आपका वीक है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहीं पे भी आप हायर मैथमेटिक्स में चले जाओ फंस जाओगे वहां पे। इसीलिए मैं काफी जीरो लेवल से, जीरो क्या निगेटिव लेवल से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद मैं ऐसा एडवांस लेवल तक जाऊंगा ना, तो जो भी पहले से आपको जो टफ लगता होगा टॉपिक्स, वो काफी 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 ज्यादा ईजी लगने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और बने रहें एक्साडमी के साथ, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।